बिहार की सियासत में इन दिनों दावत इफ्तार का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी को छोड़ सभी दलों के नेता शामिल हुए थे। वहीं शनिवार को जदयू ने हज भवन में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया और आज आरजेडी ने राबड़ी आवास में दावत का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों रोजेदार शामिल हुए। वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री विजय कुमार चौधरी पैदल मार्च कर 7 सर्कुलर रोड से निकलकर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंचे और इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो व पूर्व सांसद पप्पू यादव, मंत्री विजेंद्र यादव, विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर, चिराग पासवान, जीतनराम मांझी सहित कई नेता इफ्तार में शामिल हुए। चिराग ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी वो राजद के इफ्तार पार्टी में पहुंच चुके हैं। वहीं इस दौरान राजद नेता भोला यादव लोगों को संबोधित कर रहे थे। इफ्तार में शामिल होने वाले रोजेदारों का स्वागत में जुटे थे। रोजेदारों के स्वागत को लेकर राजद कार्यकर्ताओं को भोला यादव आवश्यक निर्देश देते दिख रहे थे। वहीं राजद कार्यकर्ता भी रोजेदारों के स्वागत में लगे हुए थे। वो मैं हमेशा लेता हूँ, मेरे संस्कार है, और यहाँ पे भी आज पहली बार नहीं, मैं पिछले साल भी आया हूँ, और इस परिवार से मेरे परिवार के पुराने संबंध रहे हैं, और इस बार मेरे लिए आना और ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि इस बार और ये मौका मुझे मिला नहीं था कि पर्सनली तेजस्वी जी को मिल कर उनको बधाई दे पाऊँ, तो ये एक मौका था। अपनी भतीजी के लिए उनको मैंने बधाई भी दी। इन सब बातों में से पप्पू यादव, चिराग पासवान, लगता है कि महागठबंधन में इन नेताओं को भी आ जाना चाहिए। माधी जी, चिराग पासवान को भी महागठबंधन में साफ हो जाना चाहिए। सभी कोई आए हैं, कोई